जी राजेश तोमर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या कुछ अपडेट आपके पास? राज्यपाल ने हेमंत सोरेन का इस्तीफा मंजूर कर लिया, अब गिरफ्तारी किसी भी वक्त मुमकिन, नया मुख्यमंत्री कब तक शपथ लेंगे? देखिए, जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने 5 विधायकों के साथ में राजभवन में हैं, वो अंदर में हैं, और जो तमाम दूसरे विधायक थे उनको बाहर कर दिया गया है। और ये कहा गया जब इस्तीफा हो जाएगा तो उनको दोबारा बुलाया जाएगा। इस बात को लेकर विधायकों में थोड़ा रंज भी है और इनको शंका है कि कहीं यहाँ पर राष्ट्रपति शासन ना लगा दिया जाए। यहाँ पर जो संभावनाएं बन रही हैं, चूंकि मुख्यमंत्री अगर यहाँ पर त्यागपत्र देते हैं तो चंपाई सोरेन को लेकर हस्ताक्षर हुए हैं, लेकिन एक पेज इसमें यह है कि जो हस्ताक्षर हैं उसका बिना मिलान कराए राज्यपाल कोई निर्णय नहीं ले सकते। तो संभवतः यहाँ पर थोड़ा जो ये समय मिलेगा इसको लेकर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको चिंता है कि कहीं इसके बहाने कोई यहां पर राष्ट्रपति शासन ना लगा दिया जाए। इसी बात को लेकर राजभवन के बाहर में हंगामा हो रहा है और लोगों को इंतजार है कि कब राजभवन से बुलावा है। इस बीच यहां पर ईडी की टीम पूरी इंतजार कर रही है, मुख्यमंत्री आवास के सामने है और ईडी की जो पूरी टीम है अंदर ही बैठी हुई है। मुख्यमंत्री जैसे वहां से लौट के आएंगे, मुख्यमंत्री को लेकर ये कैंप कार्यालय की तरफ रवाना हो जाएंगे। जी, मैं चाहूंगी आप अपने पीछे तस्वीरें भी दिखाएं कि क्या कुछ वहां पर इस वक्त हलचल हो रही है, क्या घटनाक्रम है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जो देख रहे हैं ये मुख्यमंत्री का आवास है और मुख्यमंत्री यहीं पर थे और सुबह से ही इंतजार हो रहा था ईडी का। 1:30 बजे के करीब ईडी की टीम यहां पर पहुंची, उस समय यहां पर मुख्यमंत्री थे और 1:30 बजे से जो पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार सिलसिला जारी रहा। इस बीच यहां पर लगातार ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री से जो सवाल किए जा रहे हैं उसमें सोहराई भवन, जिसमें कल्पना सोरेन के नाम की बात आती सामने, उनको को एक्यूज्ड बनाया जा सकता है। ये सिलसिला चलते चलते सामने बिल्कुल साफ हो गया कि मुख्यमंत्री को अब कस्टडी लिया जाएगा। इस बाबत प्रशासनिक तौर पर यहां के प्रशासन को सूचना दी गई, उसके बाद यहां पर मुख्यमंत्री आवास और राजभवन सहित ईडी कार्यालय में 144 लगा दिया गया। तब से यह संभावना जताई जा रही थी कि यहां पर एक बहुत बड़ा कोई कार्रवाई होने जा रहा है और उसके बाद यहां पर तमाम आला अधिकारी को बुलाया गया, पुलिस के बड़े अधिकारी को बुलाया गया, प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाया गया ताकि हेमंत सोरेन को हिदायत दे पाए। यहां पर चूंकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी हैं जो कि जत्रा मेला में शामिल हैं, किसी भी तरह का यहां पर कोई अप्रिय घटना ना घटे, कोई विरोध ना हो, इसको लेकर राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर को बनाया जाए, शांति बहाल रखा जाए। तो जैसे ये चीज़ें प्रक्रिया चल रही थी तो बिल्कुल साफ होने लगा था कि हेमंत सोरेन की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। उसके बाद जो तमाम विधायक हैं वो यहाँ पर जो उनके पास समर्थन पत्र था उसको लेकर राजभवन से लगातार वो संपर्क कर रहे थे, अलग अलग समय में उनको समय दिया गया, अंततः राजभवन में उनके जाने की उनकी अनुमति मिली और विधायक तमाम लोग एक साथ वहाँ राजभवन पहुँचे, उनको समर्थन पत्र सौंपा। उसके बाद साथ राजभवन की तरफ से कहा गया कि मुख्यमंत्री पहले इस्तीफा दें। चंपई सोरेन वहाँ से मुख्यमंत्री आवास पहुँचे, मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री से मंत्रणा किए, मुख्यमंत्री फिर यहाँ से वो उठकर राजभवन की तरफ गए। राजभवन के तरफ जाने से पहले यहाँ पर ईडी के जो तमाम अधिकारी हैं और फिलहाल इंतजार कर रहे हैं, लेकिन राजभवन जब पहुँचे तो अंदर में 5 लोगों को ही जाने दिया गया। अब अंदर में मुख्यमंत्री वहाँ पर त्याग पत्र भी दिए हैं या नहीं दिए हैं उसकी अभी पुष्टि नहीं। राजेश तोमर, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सांसद महुआ मांझी का बड़ा दावा है कि हेमंत सोरेन को हिरासत में ले लिया गया है, इस पर कोई अपडेट आपके पास? देखिए, हिरासत वाली स्थिति बन गई है और शाम से उनको हिरासत में रखा है। हिरासत में और गिरफ्तारी में थोड़ा फर्क है। हिरासत में है वो फिलहाल मुख्यमंत्री को वो मौका दे रहे हैं कि चूंकि यहाँ पर संवैधानिक स्थितियाँ बनी रहीं, बहाल रहें, इसको लेकर अगर उन्हें इस्तीफा देना पड़े तो ईडी के ही परमिशन से वो इस्तीफा के लिए गए हैं, उसमें ईडी के भी कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन वो यहाँ से 5 विधायकों के साथ गए थे, चंपाई सोरेन साथ में थे। मुख्यमंत्री वहाँ इस्तीफा देते हैं और वहाँ पर अगर नए मंत्रिमंडल का अगर वहाँ पर अगर गठन होने की संभावनाएं बनती हैं और चंपाई सोरेन को अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो कोई भी संवैधानिक संकट नहीं होगा। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि अगर यहां पर जो समर्थन पत्र सौंपे गए हैं राजभवन की तरफ से उसकी जरूर इंक्वायरी हो रही, वेरिफिकेशन होगा और जब ये पूरी प्रक्रिया जब पूरी होगी उसके बाद ही चंपाई सोरेन को ओथ दिलाने की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में जो समय है, समय में राजभवन चाहे और राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति शासन इम्पोज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं तो चूंकि इस्तीफा देने के बाद राज्य में कार्यपालक एक कार्यवाहक सीएम के तौर पर किसी न किसी का होना जरूरी है, लेकिन सीएम अरेस्ट हो जाएंगे, कैंप कार्यालय चले जाएंगे, तो ऐसे में यहाँ पर स्थिति रिक्त हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल के साथ राज्यपाल चाहें तो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। यही एक पेच जो तकनीकी पेच है जिसकी वजह से यहाँ के जो तमाम विधायक हैं वो परेशान हैं और उनका ये कहना है कि अगर इस्तीफा होता तो तत्काल उन्हें शपथ दिलाया जाए और जो विधायक है वो यहाँ मौजूद है उनका पैरेड करा दिया जाए।
जी ठीक है, तो इस तरह की संवैधानिक अड़चन आ रही है, तमाम नेता क्या कुछ कह रहे हैं जरा वो भी सुन लें, फिर आपके पास दोबारा लौटेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हमारे पास जो अपडेट है आपको बताएं कि यहाँ पे चंपई सोरेन जो हैं उनके करीबी और कद्दावर